कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 है। पहला है x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। इसी में चौथे नंबर का प्रश्न है x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण 2 धन करनी 2x धन करनी 2। सबसे पहले हम इसमें इस बहुपद को हम p या x के बराबर मान लेंगे। माना कि यह बहुपद पहला जो है वो क्या है p या x बराबर इसे x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1 है। माना यह बहुपद है। अब इस बहुपद को हमने मान लिया, साथ ही साथ इसमें हम लिखेंगे x धन 1 किसका p आप x का 1 क्या होगा गुणनखंड है। x धन 1 p आप x का गुणनखंड है। यदि x धन 1 दिया है, यदि हम x धन 1 को 0 के बराबर लिखे तो धन 1 दाहिनी तरफ जाके किस में बदलेगा ऋण 1 में। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर यदि हम ऋण 1 रखें और बहुपद का मान 0 आ जाए, यदि p आप -1=0, x धन 1 p आप x का क्या होगा एक गुणनखंड। कब होगा, यदि p आप -1=0। अब देखे जरा p आप -1 को हम निकाल रहे हैं कि p आप -1 की वैल्यू आती कितनी है। p आप -1 इसका मतलब है x की घात 3 जहाँ लिखा है वहाँ लिखेंगे हम ऋण 1 पूरे की घात 3 धन x की घात 2 वहाँ लिखेंगे हम ऋण 1 की घात 2 धन x उसकी जगह लिखेंगे हम ऋण 1 धन 1। इसको हल करते हैं हम ऋण 1 की घात 3 विषम संख्या है घात इसलिए उत्तर ऋण में आएगा, ऋण 1 की घात 2 ऋण गुणित ऋण धन हो जाता इसलिए उत्तर धन 1, साथ ही साथ धन गुणित ऋण 1 धन 1। अगर देखें तो ऋण 1 दो बार है, धन 1 भी दो बार है, तो ऋण 2 में से 2 को घटा दे तो क्या हो गया 0। जीरो के आते से ही हम लिख सकते हैं क्या कि अतः x धन 1 p आप x का 1 गुणनखंड है। चौथा देखिए इसी में चौथे क्रमांक में चौथे को भी हम मान लेंगे। माना p आप x बराबरी से x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण 2 धन करनी 2x धन करनी 2। अब इसमें कौन सा x धन 1 p आप x का 1 क्या होगा गुणनखंड होगा। वही स्टेप जो पहले लिखी थी, यदि p आप -1=2 क्या हो जाए 0। कहने का मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर एक रख के ऋण 1 रख के देखेंगे p आप -1=2 x की घात 3 ऋण 1 की घात 3 x की घात 2 ऋण 1 की घात 2 ऋण 2 धन करनी 2 x मतलब ऋण 1 धन करनी 2 ऋण 1 की घात 3 विषम संख्या इसलिए ऋण 1 का वर्ग धन लेकिन बाहर ऋण है
ऋण का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर है, तो ये ऋण का ऋण से गुणा होके, इसमें ऋण का ऋण से गुणा होके ये धन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये धन बन गया, दो धन करनी दो, धन करनी दो। अब अगर ध्यान से देखें, ऋण एक ऋण एक ऋण दो, धन दो, करनी दो, धन करनी दो, दो करनी दो, ये दोनों तो एक दूसरे को पूर्णतः घटा देते हैं, लेकिन बच जाता है दो करनी दो। क्या लिखेंगे? क्योंकि कौन सा पी आप माइनस वन किसके शून्य के बराबर नहीं है, ये शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कौन सा पी आप एक्स का एक गुणनखंड एक्स धन एक नहीं होगा। उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।